गाइस नमस्कार, मेरा नाम राजू है और आप देख रहे हैं अपना चैनल। वीडियो देख रहे वीडियो बनाने के लिए परफेक्ट कर वीडियो का स्टेप बाय स्टेप पूरा देखिए। थोड़ा सा वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को लाइक नहीं करते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल द वे ताकि इस तरह का वीडियो डालता है नोटिफिकेशन मिलते रहे। जो कि छठ पूजा का वो सीरीज स्टार्ट हो गया जो कि पार्ट नंबर वीडियो का 1 है। तो आप लोग देखिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो सीरीज जो भी हम जो भी इवेंट आता है उसको पूरा हम सीरीज निकालते हैं, आपको सीरीज वीडियो पार्ट बाय पार्ट आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये जो छठ पूजा का सीरीज का पार्ट नंबर 1 है। और देखिए भाई ने कमेंट किया था जो कि छठ पूजा वीडियो स्पेशल वीडियो बनाए, देखिए छठ पूजा वीडियो स्पेशल आ गया जो कि राहुल भाई ने आपको जो कमेंट किए थे इसलिए आप वीडियो को बना दिए। ठीक है, और दिवाली वाला पर आपको जो कमेंट किया था दिवाली वाले भाई को जो कि राज भाई ने जो कमेंट किया था पार्ट 2 लाने के लिए, भाई पार्ट 2 भी कल आ जाएगा, कल उस वीडियो को देख लीजिएगा जो कि दिवाली का पार्ट 2 होगा। और इस पार्ट 1 आप लोग नहीं देखे थे जाकर देख लीजिए, देखिए भाई ने देखा है और उस भाई ने कमेंट किया कि आपको पार्ट 2 लाइए तो पार्ट 2 भी आ जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते बिना बकवास करते हुए। सिंपली कान मास्टर को ओपन करना है, अगर मेरे वाला कान मास्टर नहीं तो इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन मिल जाए, आपको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करके आप इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप तभी वीडियो सही तरीके से बना पाएगा। इस पर क्या करना है, कल प्लस का जो दिख रहा है क्रिएट नाउ बटन इस पर क्लिक करना है। क्लिक पर 60.9 रेशियो को सेलेक्ट करके और नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर दिए, क्लिक करने में आप डाउनलोडिंग फाइल में चला, इसमें इतना सारा मेटेरियल यूज हुआ है, सारा चीज का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन मिल जाए, आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने से सबसे पहले यहाँ देखिए बैकग्राउंड वीडियो में यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट वीडियो को ध्यान देखिए तभी परफेक्ट तरह से वीडियो को बना पाइएगा। उसके यहाँ से वीडियो को सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट कर पूरा वीडियो को फर्स्ट माना। ठीक है, फर्स्ट माने के लेयर का ऑप्शन क्लिक करिए, मीडिया का ऑप्शन क्लिक करिए, उसके बाद फिर से डाउनलोडिंग फाइल में चाहिए। उसका देखिए मेरे पास एक नेचुरल वाला देखिए वीडियो है, देखिए जो इसमें वाटर इफेक्ट वीडियो है, इसको भी लिंक डिस्क्रिप्शन में सबको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड कर नीचे ना है यहाँ क्रोमिंग का आइकन दिख रहा है, क्रोमा की आइकन इस पर क्लिक करना है, स्विच को ऑन करना है, यहाँ से फिल्टर को अप्लाई करना होगा। ठीक है, इस तरह से हम फिल्टर को अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई करके यहाँ से बैक आना है, बैक आइए, नीचे क्रोपिंग आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है, स्विच ऑन कर देना है, फिल्टर को यहाँ से अप्लाई कर देना। ठीक है, पूरा 50% अप्लाई करके हम यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करके इसको साइज थोड़ा सा बड़ा करके इसको अपने हिसाब से परफेक्ट तरीके से इसको एडजस्ट करके यहाँ से बैठा देना। ठीक है, इस तरह से बैठ जाएगा। तो क्या करना है, वीडियो को पूरा फर्स्ट माना है, लेयर का ऑप्शन पर क्लिक करना है, मीडिया का ऑप्शन पर क्लिक करना है, उसके बाद फिर से डाउनलोडिंग फाइल में चल जाना है। और देखिए मेरे पास यहाँ देखिए छठ मैया वाला जो PNG मुझे इसको ले लेंगे। ठीक है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सबको डाउनलोड कर लेना, इसको साइज को पूरा छोटा कर देना, छोटा करके हम इसको इस जगह पर लगाएंगे। ठीक है, तो आपको भी इस जगह पर लगा देना पूरा बीच पोजिशन पर, इस तरह से लगा कर लेयर को पूरा लास्ट तक करना। ठीक है, जहाँ तक वीडियो आपका बनेगा वहाँ तक पूरा लेयर को लास्ट तक कर दीजिएगा। और लास्ट तक करना क्या करना, इसको आपको 3 सेकंड स्क्रॉप करिए। ठीक है, 3 सेकंड स्क्रॉप करना है, यहाँ देखिए कैंची का आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है, और नीचे देखें ट्रिम स्पेशल ट्रिम प्लेहेड का ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना। ठीक है, इसको दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दीजिएगा, उसके बाद फिर से इस इमेज पर क्लिक करिए। और यहाँ देखिए आप यहाँ पर चाबी का आइकन दिखा देगा। ठीक है, चाबी का आइकन पर क्लिक करिए, क्लिक करना इसको क्या करना आपको 6 सेकंड तक चल देना। ठीक है, तो हम 6 सेकंड पर आ जाते हैं, 6 सेकंड पर आने के बाद क्या करना आपको इसको साइज को बड़ा करना। ठीक है, बड़ा करके हम इसको इस जगह पर परफेक्ट तरीके से एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, आपको भी इस तरह से कितना बेहतरीन तरीके से एडजस्ट होगा आपको इसी तरह से एडजस्ट कर देना है। उसका जो फर्स्ट वाला पार्ट है इसको सेलेक्ट करिए, चाबी का आइकन पर क्लिक करिए, क्लिक करके यहाँ से प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना है, क्लिक करिए, क्लिक करके इस इमेज को फर्स्ट में आइए, उसका साइज को पूरा छोटा करना। ठीक है, इतना छोटा कर देना है, और इतना छोटा करना है तो क्या करना आपको इस पोजिशन पर ले आना। ठीक है, इस पोजिशन पर ले आइए, उसका थ्री डॉट का ऑप्शन इस पर क्लिक करना है, इसको सेंड टू बैक कर देना। देखिए इसके अंदर जो पत्थर के अंदर ही छुप जाएगा। ठीक है, इसे सब कर देना है, करना तो क्या करना, वीडियो को ध्यान देखिए तभी आपको सारा चीज परफेक्ट कैसे समझ आएगा। उसका क्या आपको 6 सेकंड में चलाना। ठीक है, 6 सेकंड पर जाइए, उसका लेयर का ऑप्शन क्लिक करिए, मीडिया का ऑप्शन क्लिक करिए, उसका देखिए मेरे पास एक लड़की का इमेज है इसको ले लेंगे। ठीक है, इस जगह आप अपना इमेज भी लगा सकते हैं, नहीं तो इसी लड़की का इमेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आपको डाउनलोड कर लेना और इसको हम इस जगह पर लगा देंगे। ठीक है, आपको परफेक्ट कैसे एडजस्ट कर देना है, लेयर को पूरा लास्ट तक कर दीजिएगा। लेयर को पूरा लास्ट तक करना है तो क्या कहना है आपको नीचे ना है और यहाँ से क्रॉपिंग पर क्लिक करना है, स्विच को ऑन करना है, फिल्टर को अप्लाई कर देना। ठीक है, तो फिल्टर को ज्यादा अप्लाई नहीं करना, आपको 30% तक अप्लाई करके यहाँ से हम बैक आ जाएंगे। उसका सबसे ऊपर वाला ऑप्शन पर क्लिक करना जो कि एनिमेशन का ऑप्शन पर क्लिक करना है, सबसे नीचे जाना है, नीचे जाना यहाँ इंटर स्लाइड यू का इस पर क्लिक करना है, इसको रेशियो करना है 2.5 कर देना। ठीक है, 5 कर दे, 2.5 कर देना है, उसके बाद थ्री डॉट का ऑप्शन क्लिक कर इसको डुप्लीकेट करना है, डुप्लीकेट के मोबाइल फोन का आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है, स्विच को यहाँ से क्या करना है रोटेट कर देना, रोटेट फर्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर इसको रोटेट कर देना है, और रोटेट करना है इसको खींच कर हम इस तरफ ले आएंगे। ठीक है, इसको लेफ्ट से राइट में ले आएंगे और यहाँ पर फिर तरीका से आपको एडजस्ट कर देना ताकि दिखने में अच्छी बेहतरीन लगे। ठीक है, देख लीजिए अपने हिसाब से देखिएगा बनाइएगा जो कि दिखने में अच्छा लगे। और इस लड़की के इमेज को थोड़ा सा और हम बैक कर लेते हैं तो दिखने में थोड़ा और परफेक्ट तरीका से जो कि वाटर इफेक्ट दिखने में अच्छा लगे। ठीक है, आपको इसे कर देना है, जैसे हो जाएगा क्या करना आपको फिर से इसी पोजिशन पर रहना है और आपको देखिए थोड़ा सा इधर बैक आ जाए। ठीक है, देखिए जहाँ पर जो सूरज भगवान वाला जो PNG इमेज है जो कि छठ में ये वाला, इसको इस पोजिशन में चलाइए, उसके यहाँ से यहाँ पर लेयर का ऑप्शन क्लिक करिए, यहाँ स्टिकर का ऑप्शन इस पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको ओवर लेयर का भी ऑप्शन हो सकता है, इस ऑप्शन पर क्लिक करिए, नीचे आएगा यहाँ देखिए फायर इफेक्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर क्लिक करना है, इस फायर इफेक्ट को यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट करके उसको लेयर को पूरा लास्ट तक कर देना। ठीक है, फायर इफेक्ट को अपने हिसाब से एडजस्ट करिएगा और इसको क्या करना है देख लीजिए, इसको इस पोजिशन पर यहाँ पर लगाना। ठीक है, तो आपको भी इस तरह से लगा देना है, साइज को देखिए इतना ही बार आना एकदम पूरा बीच परफेक्ट तरीके से बीच में बैठा देना है। उसका थ्री डॉट का ऑप्शन क्लिक करना है, इसको डुप्लीकेट कर लीजिए, डुप्लीकेट
करके थोड़ा सा और इसको छोटा करना, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, उसको फिर से इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं और फिर से थोड़ा सा और इसको हम छोटा करेंगे, ठीक है। तो उसको सबसे नीचे ला के उसको और छोटा कर लेते हैं, और छोटा करके क्या करना है, उसको थ्री डॉट का उसमें क्लिक, इसको सेंड टू बैक कर देना। जितना इफेक्ट है तीनों इफेक्ट क्या करना, सेंड टू बैक कर देना, ठीक है। इसको हम सेंड टू बैक कर देते हैं, देख लीजिए जो इफेक्ट है इस दूसरे का इफेक्ट यहाँ पर सेंड टू बैक कर देते हैं, और बैक करने वाला उसका तीसरे का इफेक्ट इसको भी सेंड टू बैक कर देंगे, ठीक है। आपको बैक कर देना है, देख सकते हैं कितना परफेक्ट कैसे वीडियो बन चुका है। अब क्या करना है, पूरा इसको लास्ट में आना है जहाँ पर लड़की इमेज को सेलेक्ट किए थे, इस पोजिशन में चलाइए और इस पोजिशन पर आने के लेयर का ऑप्शन पर क्लिक करिए, और यहाँ से आपको ओवर लेयर का ऑप्शन इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर देखिए वाटर का इफेक्ट दिख जाए, ठीक है। तो इस सारा से मैं बताया हुआ जितना इसमें इफेक्ट है, सारा इफेक्ट कैसे डाउनलोड किया था, अगर मेरा वीडियो रेगुलर देखते हैं तो सारा वीडियो आपको पता चल जाए किस तरह से इफेक्ट को डाउनलोड किया था, कैसे लगाया था, ठीक है। इस इफेक्ट को हम लगाने के आपको सही बता रहे थे, इस जो वाटर वाला इफेक्ट इसको सेलेक्ट कर लीजिए, उसको सेलेक्ट करके लेयर को पूरा लास्ट तक कर देना, साइज को थोड़ा छोटा कर देना, छोटा करके हम इसको इस पोजीशन पर लगा देंगे, ठीक है। आपको भी इस जगह पर इस तरह से लगा देना है, और लगाने क्या करना है, वीडियो इसी पोजीशन पर आना है, इस इफेक्ट को सेलेक्ट करिए, आपको एनिमेशन का ऑप्शन देना है, और यहाँ से आपको इस एनिमेशन को डाल सकते हैं, नहीं तो दूसरा एनिमेशन भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो अच्छा लगे एनिमेशन को यहाँ से डाल सकते हैं, हम देख लेते हैं इसमें अच्छा कौन सा एनिमेशन लगेगा। तो इस एनिमेशन को यहाँ से डाल के इसको रेशियो को 1.5 कर देंगे, ठीक है। 5 कर देना, उसको थोड़ा सा स्क्रोप करना है, लेयर का ऑप्शन क्लिक करना है, फिर से आपको स्टिकर ऑप्शन में क्लिक करना है, और सबसे नीचे आ जाना है। नीचे आने वाले देखिए आपको यहाँ पर देखिए आई बलून का ऑप्शन, इस पर क्लिक करिए, इस वाला फ्लावर को सेलेक्ट करना, सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट करके इसको लेयर को पूरा लास्ट तक कर देना, लेयर को लास्ट तक साइज को छोटा कर देना, ठीक है। छोटा करके हम इसको इस पोजीशन पर यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। आपको भी जगह पर इस तरह से लगा देना है, और लगाने के लिए इसमें एनिमेशन डालना, जो आपको अच्छा लगे एनिमेशन को यहाँ से डाल सकते हैं, और डालने वाले यहाँ थ्री डॉट का ऑप्शन क्लिक करके इसको डुप्लीकेट कर लीजिए, डुप्लीकेट करके हम इसको इस पोजीशन पर फिर से यहाँ पर थोड़ा सा इधर कर लेंगे, ठीक है। आपको यहाँ इसको साइज को थोड़ा सा छोटा कर लेना, ठीक है। छोटा करके हम इसको इस जगह पर यहाँ पर लगा देंगे, आपको भी इस तरह से लगा देना है, फिर से इसको डुप्लीकेट कर लीजिए, डुप्लीकेट करके हम इसको यहाँ पर इस तरह से लगा देंगे, आपको भी इस तरह से लगा देना है। उसका जो सेकंड वाला है इसको डुप्लीकेट कर लीजिए, डुप्लीकेट करके इसको भी हम लास्ट में यहाँ पर इस तरह से लगा देंगे, ठीक है। जैसे परफेक्ट कैसे वीडियो यहाँ तक वीडियो बन चुका है। अब क्या करना, आपको इसी पोजीशन पर आना, फिर से लेयर का ऑप्शन में क्लिक करना, फिर से स्टिकर का ऑप्शन में क्लिक करना, ऊपर में जो आई बैलून वाला ऑप्शन देखिए, इस बैलून पर आपको क्लिक करना, ठीक है। बैलून क्लिक करके लेयर को पूरा लास्ट तक कर देना, और लेयर को पूरा लास्ट तक करना, इसको साइज को थोड़ा छोटा कर लीजिए, छोटा करके हम इसको इस जगह पर लगा देंगे, ठीक है। इसको आपको भी इस जगह पर लगा देना, इसके जो एनिमेशन आपको अच्छा लगे एनिमेशन यहाँ से डाल दीजिए, और डालने बाद थ्री डॉट का ऑप्शन में क्लिक करिए, इसको डुप्लीकेट कर लीजिए, डुप्लीकेट करके हम इसको यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। डुप्लीकेट करके यहाँ पर इसको लगा देना, देख सकते हैं कितना बेहतरीन तरीके से वीडियो बन चुका है। आप क्या करना, वीडियो को पूरा फर्स्ट बना है, लेयर का ऑप्शन क्लिक करना है, मीडिया का ऑप्शन क्लिक करना है, डाउनलोडिंग फाइल में चल जाना है। उसका देखिए नेचुरल वाला जो फ्लावर पेंज है इसको भी यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। इसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आपको डाउनलोड कर, इसको साइज को पूरा छोटा कर देना, इसको इस पोजीशन पर लगा देना, लगाना लेयर को पूरा लास्ट तक कर देना है, और लेयर को पूरा लास्ट तक करना है, इसको डुप्लीकेट कर लीजिए, इसको डुप्लीकेट करके हम इसको पूरा जो स्क्रीन को पूरा फुल करेंगे, ठीक है। आपको भी इसे डुप्लीकेट करके इसको पूरा स्क्रीन को पूरा फुल कर देना है, और पूरा फुल करके हम इसको क्या करेंगे, एडजस्ट कर देंगे, आपको भी इसे एडजस्ट कर देना है, और एडजस्ट करने में यहाँ से मौके कर देंगे, ठीक है। जैसे कितना बेहतर तरीके से वीडियो बन चुका है, इसके अंदर एडियो लगाना है। एडियो लगाने के लिए आपको जो हम वीडियो देंगे उस वीडियो जो स्टेटस वीडियो होगा उसको लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। देखिए यही स्टेटस वीडियो का लिंक है, इसको लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको डाउनलोड कर लिया इस वीडियो को, और इस वीडियो को क्या करना है, आपको एडियो में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले इसको वीडियो को पूरा लास्ट में आइए, और यहाँ जो बैकग्राउंड वीडियो सेलेक्ट करिए, इसको ट्रिम टू राइट कर देना, ठीक है। इसको राइट कर दीजिए, जो बाकी पार्ट होगा यहाँ से कट हो जाएगा, जहाँ तक आपको गाना रहेगा वहाँ तक ही वीडियो ही परफेक्ट तरीके से दिखेगा। अब क्या करना, जो वीडियो देख रहा है, इस वीडियो देखिए यहाँ पर आपका जो डिस्प्ले पर अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो क्या करना है, इस वीडियो को वीडियो क्लिक करिए, सबसे नीचे जाना है, और देखिए एक्सट्रैक्ट एडियो का ऑप्शन दिखा देगा, ठीक है। इस ऑप्शन पर क्लिक करिए, जैसे इस पर क्लिक करिए तो आपका देखिए नीचे एक एडियो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर एडियो ऐड हो चुका है, हम दोबारा कर देते, दो ऐड हो गया, यहाँ आपको एडियो ऐड हो जाएगा, और जो जो वीडियो सेलेक्ट के जो स्टेटस वाला इस वीडियो के यहाँ से करके डिलीट कर दें, देखिए डिलीट हो गया, आपका अंदर जो एडियो इसमें ऐड हो गया। अब यहाँ वीडियो को प्ले करके दिखाते हैं किस तरह से वीडियो बना, ठीक है। तो वीडियो के यहाँ से प्ले करते हैं, आप देख सकते हैं कितना अच्छा और कितना बेहतर वीडियो बन चुका है। वीडियो आपको अच्छा है, वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बेल नोटिफिकेशन ऑल रहे ताकि इस तरह वीडियो आता नोटिफिकेशन मिल रहे। इसमें जितना सारा मटेरियल यूज हुआ है चीज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिले, वहाँ आपको डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड कर स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देख सकते हैं। तो आज इतना ही, मिलते हैं।